बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जापानी सीखने में खुश उम्मीद कहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जापानी जो भी उर्मात आती हैं वो उर्मात जाना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ जापानी से एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। गवर्नमेंट की जानिब से न्यू जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ETEA पुलिस जॉब की नौकरियां कौन कौन सी हैं, इसमें तालीम और उम्र कितनी है और इसमें आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। ये सारी मालूमात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और अप्लाई करने की मालूमात भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी सरकारी तौर पर पुलिस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट जॉब की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने गूगल पर आना है और टाइप करना है jobpk.xyz, ये लिखकर सर्च कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने ETEA पुलिस कॉन्स्टेबल जॉब पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने इसे रीड आउट करना है और नीचे आ जाना है। वैकेंसीज नेम लेडी कॉन्स्टेबल, पुलिस कॉन्स्टेबल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पुलिस कॉन्स्टेबल, इसमें क्वालिफिकेशन मैट्रिक, एज 18 to 25 ईयर्स, हाइट 5 feet 7 inches, चेस्ट 33 to 34.5 inches, रनिंग 1 mile in 7 minutes डाली गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पुलिस लेडी कॉन्स्टेबल, क्वालिफिकेशन मैट्रिक, एज 18 to 25 ईयर्स, हाइट मिनिमम 5 feet 1 inch, रनिंग 1 kilometer in 7 minutes। आपने इसे रीड आउट करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने पुलिस कॉन्स्टेबल जॉब की वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप पुलिस कॉन्स्टेबल जॉब की वेबसाइट पर जाएंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपने अपना नाम, वालिद का नाम, तालीम और बकाया मालूमात पढ़ के अप्लाई कर देना है। आपने इसे रीड आउट करना है और नीचे आ जाना है। ETEA पुलिस कॉन्स्टेबल जॉब की वैकेंसीज नेम रीजन मरदान, मलाकंड, कोहाट, बनू, डीजीहान, पिशावर, हजारा। इसमें डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टेबल, ट्रैफिक वार्डन, SSU, मिलिट्री विंग और टोटल वैकेंसीज बता दी गई हैं। आपने इन्हें रीड आउट करना है और जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।